नमस्कार, बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। खबर छतरपुर के बड़ा मलहरा से, जहां उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी रामसिया भारती ने अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के समय कांग्रेस के जिले के नेता और विधायक मौजूद रहे, लेकिन बड़ा मलहरा से कांग्रेस की टिकट की मांग करने वाले कांग्रेसी नेता इस नामांकन फॉर्म के दौरान नदारद दिखाई दिए। कांग्रेस प्रत्याशी का काफिला रैली के रूप में सीएम कार्यालय पहुंचा और नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में वो जा रही हैं। जनता का उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। वह बेटी बनकर क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप पर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस शासन के दौरान ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर रुपए लिए गए, तो इस पर उन्होंने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन रैली के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी और अधिकांश लोग काफिले में बिना मास्क के नजर आए। जनता के जनता अपने मुद्दे लेकर के जा रहे हैं कि जनता का नीचे कर लो, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जो जिसने दल बदलने का काम किया है, ये हमारा मुद्दा है ही, हमारी जनता जवाब देगी। स्थानीय नेताओं का समर्थन मिल रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। हम सब एक हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने कांग्रेस के कार्यकाल में ट्रांसफर के लिए उनसे पैसे लिए हैं, इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने तो कोई ट्रांसफर के उसमें कोई अभी ऐसे नहीं किया है। आप संत हैं, आप जनता का आशीर्वाद लेने आई हैं, देने आई हैं? आप, मैं जनता का एक तरफ राजनीतिक स्तर से मैं उनकी बेटी हूँ, उनका आशीर्वाद लूंगी और बेटी बनकर उनकी सेवा करूंगी। सोशल मीडिया पे लगातार फोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें आप आशीर्वाद देती नजर आ रही है, वो फोटो फर्जी है या उस पे क्रिएशन किया जा रहा है? नहीं नहीं, हमसे हमारे कुछ सस्ते हैं जो हमसे छोटे हैं, तो वो आशीर्वाद लेने आते हैं, और हमसे बड़े हैं वो, हम सबका आशीर्वाद ले रहे हैं।